वेलकम टू टेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स काउंट नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके सो जल्दी से क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ओके सो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि भाई आपके पास एक स्ट्रिंग है, सबसे पहले लाइन में आपको क्या आउटपुट करने को बोल रखा है ये बता दो। इस स्ट्रिंग में कितने प्रीफिक्स है जो सफिक्स से मैच करते हैं, काउंट बताना हमें। सो जैसे ए बी एक प्रीफिक्स है, वो ए बी एक सफिक्स से मैच कर रहा, देन ए बी एक प्रीफिक्स है जो ए बी एक सफिक्स से मैच कर रहा, देन ए बी एक प्रीफिक्स है जो ए बी एक सफिक्स से मैच कर रहा, राइट। सो बेसिकली इसका फोर आंसर होने वाला है, 3 + 1। प्लस वन मैंने किस नाम का करा, तीन तो यहाँ आप देख पा रहे हो, प्लस वन करा कि यार कंप्लीट स्ट्रिंग भी खुद का कंप्लीट स्ट्रिंग भी बेसिकली प्रीफिक्स होते हैं और कंप्लीट स्ट्रिंग सफिक्स भी होते हैं, तो प्रीफिक्स और सफिक्स खुद से तो मैच करेंगी। तो तीन आपको नॉर्मल फाइंड आउट करने हैं एंड उसमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग के नाम का हो गई कि यार वो प्रीफिक्स भी है वो सफिक्स भी है। यहाँ पे प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ प्रीफिक्स बोला जा रहा है कि यार कितने प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल है वो काउंट बताना, राइट। सो 3 + 1 = 4 आंसर होगा इसका। देन सिर्फ इतना ही नहीं करना, इसके अलावा और भी आउटपुट है। वो आउटपुट क्या है, आउटपुट कुछ ऐसा है कि भाई ये बता दो कि जितने प्रीफिक्स सफिक्स से मैच कर रहे हैं उनकी लेंथ क्या थी एंड उनकी कंप्लीट स्ट्रिंग में कितनी अकरेंस है। ओके सो इसमें समथिंग ऐसा कि भाई जैसे दो लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स से मैच कर रहे हैं ए बी एंड इसकी अकरेंस स्ट्रिंग में 4 है, तो नेक्स्ट लाइन में 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4। देन फोर लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स से मैच कर रहे हैं, फोर लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स से मैच कर रहे हैं, फोर लेंथ इज ए बी ए बी एंड इसकी अकरेंस पता है कितनी है, 3 है। कौन कौन सी 3 अकरेंस है देखना जरा, ए बी ए बी, देन यहाँ पे ए बी ए बी, देन अगेन यहाँ पे ए बी ए बी। ओके सो 3 लेंथ प्रीफिक्स जो सफिक्स से मैच, फोर लेंथ प्रीफिक्स जो सफिक्स से मैच कर रहे हैं एंड कंप्लीट स्ट्रिंग में उसकी 3 अकरेंसेस है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3। देन एक 6 लेंथ प्रीफिक्स है जो सफिक्स 6 लेंथ सफिक्स के इक्वल है एंड उसके कंप्लीट स्ट्रिंग में 2 अकरेंस है, यही दोनों जो प्रीफिक्स और सफिक्स है सिर्फ वही है, इनके अलावा और कोई अकरेंस है नहीं। ओके देन एक फाइनल कंप्लीट स्ट्रिंग के नाम का, कंप्लीट स्ट्रिंग जो प्रीफिक्स है सफिक्स भी है एंड उसकी सिर्फ 1 अकरेंस है। ओके सो ये जो केस है प्लस वन वाला और ये तो अलग से आप हमेशा ही हैंडल कर दोगे कि भाई कंप्लीट स्ट्रिंग के नाम का एक तो बनेगा ही बनेगा एंड कंप्लीट स्ट्रिंग के लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 हमेशा ही आएगा। ओके सो अगर मैं इस वाले केस को कंसिडर ना करूँ कि भाई ये तो अलग से हैंडल हो जाएगा, तो अब जो पार्ट है ये पार्ट सिर्फ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स में आपने कन्वर्ट कर दिया कि भाई प्रॉपर प्रीफिक्स का डेफिनेशन एंड प्रॉपर सफिक्स बता दो जो इक्वल हो एंड उसकी कितनी अकरेंस है। सो अगर मैं इन दोनों केस प्लस वन और कंप्लीट स्ट्रिंग वाले को इग्नोर कर दूँ तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि भाई प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज इक्वल टू प्रॉपर सफिक्स एंड उसकी कितनी अकरेंस है, राइट। सो अब इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे एंड प्लस वन वाले केस को अलग से हैंडल कर लेंगे। सो प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स क्यों मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स से रिलेटेड हमने एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं, जी के एम पी, ये दोनों ही ऐसे ही सफिक्स प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग से रिलेटेड ही एल्गोरिथम्स थी, बट वो प्रॉपर प्रीफिक्स पे थी। अभी हमारे पास सिर्फ प्रीफिक्स एंड सफिक्स काउंट था, उसे हमने प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स के बेसिस पे डिफाइन कर दिया, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन इसका, क्या इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं उससे पहले सजेस्ट करूंगा कि यार एक बार आप जी एल्गोरिथम की वीडियो को देख लो इसे सॉल्व करने से पहले, इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले, क्योंकि अगर आपको जी अच्छे से नहीं पता, और वो जी मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करूँगा कि यार जी कैसे काम करता है, मैं बस ऐसा बताऊँगा कि यार ऐसे ऐसे हो जाता है, जो कि एक्चुअली मैंने जी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, राइट। सो अगर आपको जी एल्गोरिथम अब तक नहीं पता तो जी एल्गोरिथम की वीडियो को पक्के से देख लो, तभी ये समझ पाओगे, क्यों, क्योंकि ये जी का एप्लीकेशन है, बेसिकली एक स्ट्रेट एप्लीकेशन है जी एल्गोरिथम, स्ट्रेटली मैं लाइक जी एल्गोरिथम ही सिर्फ यूज़ करूँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके सो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले स्ट्रिंग में जी एल्गोरिथम लगाकर एक एरे निकाल कर लाऊंगा, जी एरे, राइट। तो जी एरे में होता क्या है, जी एरे में होता क्या है, एक गिवन इंडेक्स पे ये होता है कि भाई जैसे सेकंड इंडेक्स पे ऐसा होगा कि यार लेंथ ऑफ प्रीफिक्स विच इज इक्वल टू सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स 2। सेकंड इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जी आर ए में पता क्या लिख रखा होगा, एक लेंथ, वो मैक्सिमम लेंथ जो प्रीफिक्स 2 से स्टार्ट होने वाले सबस्ट्रिंग के इक्वल है, राइट। जैसे यहाँ पे पता क्या होगा, 6,
सिक्स क्यों होगा? क्योंकि सिक्स लेंथ सब स्ट्रिंग, टू से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग, छह लेंथ, सिक्स लेंथ की, सिक्स लेंथ की, वो सिक्स लेंथ प्रीफिक्स के इक्वल है, तो सेकंड इंडेक्स पे टू रखने वाले, सिक्स रखने वालों में। यहाँ पे फोर होगा, फोर लेंथ सब स्ट्रिंग, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए वो फोर लेंथ प्रीफिक्स के इक्वल है, राइट। सो जी आर ए यही कैलकुलेट करता है कि एक गिवन इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू प्रीफिक्स के, उसकी लेंथ क्या है। सो फोर यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे टू होगा, बाकी सभी जगह जीरो जीरो होंगे, क्योंकि जैसे थर्ड इंडेक्स के लिए देखो, थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग प्रीफिक्स के इक्वल हो ही नहीं सकती, क्यों? फर्स्ट कैरेक्टर ही मिसमैच है। सो लेट्स रेस्ट सभी इंडेक्स पे जीरो जीरो है। तो ये जी आर ए आप सिंपली जी एल्गोरिथम को यूज करके आप निकाल सकते हो, राइट। इस जी आर ए में ऐसा क्या है, लाइक इससे हम कैसे पता कर सकते हैं? इससे पता हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो जैसे सिक्स इंडेक्स के बारे में, सिक्स इंडेक्स पे फोकस करते हैं, सिक्स इंडेक्स पे वैल्यू इज टू, मतलब यहाँ से फिर से सिक्स इंडेक्स पे फोकस करते हैं, सिक्स इंडेक्स से एंड तक टोटल दो बंदे हैं, कैसे मुझे पता? टोटल लेंथ एट माइनस सिक्स, एट यहाँ है, एट माइनस सिक्स, जिसमें एट एक्सक्लूसिव है, तो दो बंदे हैं, ये आप पता कर सकते हो सिंपली लेंथ माइनस आईथ इंडेक्स से, कि भाई यहाँ मेरे से बाद सिर्फ दो बंदे हैं, ओके। और मेरे जी की वैल्यू टू है, अगर मेरे बाद दो बंदे हैं एंड मेरी जी की वैल्यू टू है, मतलब मैं प्रीफिक्स, मैं सफिक्स की तरह ही काम कर रहा हूँ। सिक्स इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली दो लेंथ सब स्ट्रिंग प्रीफिक्स के इक्वल है, और वो जो दो लेंथ सब स्ट्रिंग है वो सफिक्स है। सफिक्स क्यों है? क्योंकि सिक्स इंडेक्स के बाद दो कैरेक्टर ही थे, तो ऑफकोर्स वो सफिक्स है। तो यहाँ पे अगर टू वैल्यू, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक आंसर आ गया। एक आंसर क्या आ गया कि भाई दो लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स मैच हो गए, राइट। इसके साथ हमें एक और चीज चाहिए कि यार मैच तो हो गए, अब दो लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स जो है उसकी अकरेंस कितनी है ये बता दो। तो अकरेंस पता है हम कैसे निकाल सकते हैं? इस गिवन एरे में वो सभी वैल्यूज जो दो से ग्रेटर है वहां पे एक अकरेंस होगी ए बी की। देखो जैसे यहाँ पे टू है तो यहाँ पे ए बी की एक अकरेंस है, देन यहाँ फोर है जो कि टू से ग्रेटर है, मतलब फोर लेंथ सबस्ट्रिंग फोर लेंथ प्रीफिक्स से मैच कर रही है। अगर फोर लेंथ सबस्ट्रिंग फोर लेंथ प्रीफिक्स से मैच कर रही है, देन यहाँ से स्टार्ट होने वाली दो लेंथ की सबस्ट्रिंग तो प्रीफिक्स से मैच करेगी, तो ए बी की एक और अकरेंस मिल गई। फिर से और पीछे आ जाओ, सिक्स यहाँ पे भी ए बी की एक अकरेंस होगी, कैसे मुझे पता? यार यहाँ से स्टार्ट होने वाली छह लेंथ स्टार्टिंग के छह बंदों के इक्वल है, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली दो लेंथ तो स्टार्टिंग के दो के इक्वल होगी ही होगी, राइट। सो पता है दो के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अकरेंस पे मैं क्या रखूंगा? नंबर ऑफ अकरेंस पे सिंपली ये रखूंगा कि कितने ऐसे जी आर में वैल्यू है जो टू या उससे ग्रेटर है। सो एक दो तीन, इसका प्लस वन, प्लस वन किसके नाम का? यार प्रीफिक्स की अकरेंस को आपने कभी भी काउंट नहीं करा। ए बी ए बी ए बी, ये तो टू फोर सिक्स की वजह से आपने काउंट कर लिया। जीरो एथ इंडेक्स पे, जी के जीरो एथ इंडेक्स पे कभी भी कुछ नहीं रखते, वो प्लस वन आप करोगे उसके नाम का, क्यों करोगे? वही यार, प्रीफिक्स भी तो अकरेंस है ही, ए बी की अकरेंस तो वही, तो फोर रख दिया, राइट। किसी और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, किसी और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे फिफ्थ इंडेक्स के लिए। फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू को देखो, जी वैल्यू को, वो जीरो है। अगर फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस मैच कर रहे होते हैं, देन उसके जी की वैल्यू थ्री होनी चाहिए, मतलब थ्री लेंथ प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो है, यहाँ पे वैल्यू थ्री होती तभी प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहे होते, राइट। तो जी वैल्यू में सबसे पहले ये बताता है कि प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे चार है, तो चार कैसे यूजफुल है? मेरे बाद सिर्फ चार बंदे ही है, एट माइनस फोर से मुझे पता लग गया, तो एट माइनस फोर से मुझे पता लग गया चार बंदे, और मेरी जी की वैल्यू भी चार है, मतलब प्रीफिक्स चार लेंथ, वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली चार लेंथ सबस्ट्रिंग के इक्वल है, राइट। तो प्रीफिक्स और सफिक्स तो इक्वल हो गई, तो मेरे पास आंसर आ गया चार, क्या लेंथ के नाम पे तो फोर पक्की बात है, राइट। चार लेंथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स इक्वल है, अब उसकी अकरेंस निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल है। पता क्या करूँगा, जितने भी जी आर एम वैल्यू है जहाँ पे फोर से ग्रेटर, जितने भी जी आर एम फोर से ग्रेटर वैल्यू है उतनी अकरेंस है। सो एक यहाँ पे है, ये रही, यहाँ पे ए बी ए बी, एक यहाँ सिक्स, सिक्स से पता है कैसे पता लग रहा है? भाई यहाँ से छः लेंथ की सफिक्स सिक्स लेंथ प्रीफिक्स के इक्वल है, अगर सिक्स लेंथ सफिक्स सिक्स लेंथ प्रीफिक्स के इक्वल है, देन यहाँ से स्टार्ट होने वाली फोर लेंथ तो पक्के से इक्वल होगी। अब फोर लेंथ जैसे ही इक्वल हुई तो ए बी की एक अकरेंस जो यहाँ से सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो एक यहाँ का काउंट, फिर एक यहाँ का काउंट, दो एंड प्लस वन खुद से,
प्लस वन खुद से क्यों, क्योंकि यार प्रीफिक्स को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो, तो प्लस वन आपको खुद से करना होगा। सो ये प्रीफिक्स, तो फोर लेंथ की तीन अकरेंस है, चार लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स जो कि इक्वल है उसकी, गिवन एरे में टोटल तीन अकरेंस है राइट। फिर यहाँ से इसके बाद पांच बंदे हैं, अगर प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा होता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जी एरे में फाइव वैल्यू होनी चाहिए जो कि नहीं है राइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद छह बंदे हैं, सिक्स नंबर्स है और कैरेक्टर्स है, कैसे मुझे पता है, 8 - 2 = 6, मेरे जी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स मैच हो रहे हैं कि भाई ये जो 6 लेंथ सबस्ट्रिंग है ये और कुछ नहीं सफिक्स ही है जो कि प्रीफिक्स से मैच कर रहा। अब इसकी कितनी अकरेंस है, जो प्रीफिक्स और सफिक्स 6 लेंथ मैच कर रहे हैं इसकी आपके एरे में कितनी अकरेंस है, तो जितनी वैल्यूज 6 और उससे ग्रेटर है, तो एक ही है सिर्फ। सो 6 लेंथ की सिर्फ एक अकरेंस, प्लस वन करना मत भूलना। प्लस वन क्यों भाई, प्रीफिक्स को आप कभी भी जी एरे के थ्रू पता नहीं कर सकते हो। ओके, प्रीफिक्स सफिक्स के इक्वल मैच करा है, प्रीफिक्स वाले की वैल्यू नहीं होती। सो प्लस वन सभी में करूंगा क्योंकि प्रीफिक्स इक्वल है। ओके, सो प्रीफिक्स ए बी ए बी ए बी इक्वल है, सो टोटल दो अकरेंस है, एक अकरेंस ये हो गई 6 की वजह से और एक प्रीफिक्स तो है ही हमारे पास। ओके, देन एक खुद से ही यार कंप्लीट स्ट्रिंग और उसकी एक अकरेंस तो है, तो ये आपका आंसर है राइट। सो स्टेप्स लिखता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जी एरे निकाल कर लेकर आओ, जी एरे आपने निकाल लिया, देन स्टेप नंबर टू उन सभी इंडेक्स को ढूंढो, उन सभी इंडेक्स को ढूंढो जिसमें एरे डॉट लेंथ माइनस आई वो इक्वल इक्वल है जी ऑफ आई से। इससे क्या पता लगता है, इसे पता लगता है कि भाई प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल हो गए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर इक्वल। So, इससे ये पता लग गया। स्टेप नंबर थ्री, अब प्रीफिक्स एंड सफिक्स जैसे ही इक्वल हो गए तो अब काउंट करना है हमें कि यार ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है इसकी कुछ लेंथ होगी, एरे डॉट लेंथ माइनस वाई, इसकी कितनी अकरेंस है, तो कितनी अकरेंस है, तो जी एरे में जितने भी इंडेक्सेस है जिसकी वैल्यू एरे डॉट लेंथ माइनस वाई जो कि अभी आपने निकाला है कि यार इतने लेंथ प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल हो गए, इससे ग्रेटर है, जितने भी इंडेक्सेस हैं जहाँ पे वैल्यू एरे डॉट लेंथ माइनस आई से ग्रेटर है वो उतनी उतनी अकरेंसेस है बेसिकली इस वाले प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। ओके, उनका प्लस वन। ओके, सो ये हम करने वाले हैं। अब कितनी अकरेंस है, जैसे मेरे पास दो लेंथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स मैच कर गए राइट, तो दो लेंथ, अब ए बी की कितनी अकरेंस है जी एरे में, टू से ग्रेटर जितने भी नंबर है वो निकालूंगा कैसे, तो यार वो अब ट्रैवल करके तो ऑफकोर्स मैं फाइंड आउट नहीं करने वाला रहा हूँ करने वाला हूँ राइट। एक प्रीफिक्स एरे जैसा रख लूंगा, जैसे देखो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जी एरे की लेट से 6 है, 1 2 3 4 5 6, सो 0 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग के लिए प्रीफिक्स कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा सिंपली, जो हमने पढ़ रखा है उसे यूज़ करूँगा। कैसे भाई, 6 की एक अकरेंस है, यहाँ एक डाल दो, 4 की एक अकरेंस है, 2 की एक अकरेंस है, यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें प्रीफिक्स सम ले लो, इसमें प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स सम ले लो, 0 + 1 1 + 0 1 1 + 1 2 2 + 0 2 2 + 1 3। अब देखना मुझे मुझे ये पता करना है, मुझे क्या पता करना है, सॉरी इसे रिवर्स ऑर्डर में, इसे रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दो, इसे रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दो, फ्रंट से नहीं, सफिक्स सम निकाल लो। सो 1 1 + 0 1 1 + 1 2 2 + 0 2 2 + 1 3 3 3। अब देखना 2 या उससे ग्रेटर कितनी अकरेंस है, डायरेक्टली ये रही 3 अकरेंस है, 3 या उससे ग्रेटर कितने नंबर है, 3 या उससे ग्रेटर कितने नंबर है, 2 नंबर है। इसके बाद के जितनी भी अकरेंसेस थे उन सबको क्यूमुलेटिव सम करके मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है राइट। 0 1 या उससे ग्रेटर कितने, 1 या उससे ग्रेटर कितनी अकरेंस है जी आर ए में, 3 अकरेंस है। सिंपली सिंपली जितनी अकरेंसेस थी उनके नाम का मैंने प्लस वन कर दिया एंड उनका प्रीफिक्स सफिक्स सम ले लिया, नॉट प्रीफिक्स सफिक्स सम ले लिया, सफिक्स सम लिया, तो एक गिवन इंडेक्स पे उसके बाद वाले की जितनी भी अकरेंस थी उन सभी को ऐड करके मैंने यहाँ रख रखा है कि भाई मेरे से अगर कोई ग्रेटर नंबर है उस पर आपने कुछ प्लस वन करा था वो सफिक्स सम की वजह से यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे टू पे 3 पता है क्यों है, एक 2 के खुद की अकरेंस के नाम का, एक 4 और 6 के अकरेंस का नाम का, क्योंकि 4 और 6 को क्यूमुलेटिव सम करते हुए हम लेकर आ रहे थे राइट। तो काउंट करने के लिए क्या इस जी एरे में एक नंबर से ग्रेटर कितने नंबर है, मैं कुछ नहीं करूँगा, एक काउंट करने के लिए एरे बना दूंगा, ऐसे फ्रिक्वेंसी एरे जैसा कुछ कह लो,
एंड उसका सफिक्स सम ले लूंगा। सो सफिक्स सम लेने के बाद अब आपको थर्ड या उससे ग्रेटर कितनी अकरेंस थी ये पता करने की जरूरत है, तो इस वाले आरे के थर्ड इंडेक्स को देख लो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ओके, सो अब इतना कुछ कर लिया, इसके बाद अब कोड करते हैं। कोड करते हैं तो ऑफ कोर्स एक एक लास्ट चीज, यहाँ पे जो मैंने फ्रिक्वेंसी आर बनाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिक्स इंडेक्स तक बना रखा था, ये मैं सिक्स इंडेक्स तक नहीं बनाऊंगा, ये 10 की पावर 5 इंडेक्स तक बना लूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट को पढ़ोगे तो वहां पे 10 की पावर 5 गिवन है कि भाई मैक्सिमम लेंथ इस स्ट्रिंग की 10 की पावर 5 हो सकती है। अगर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ 10 की पावर 5 हो सकती है, देन जी आर ए में भी मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 ही हो सकती है, राइट? तो मैं डायरेक्टली 10 की पावर 5 बना लूंगा, हर बार मैक्स निकालने नहीं जाऊंगा। ओके, सो इसे जल्दी से कोड करते हैं। कोड करते टाइम ए पिक अच्छी नहीं आ रही होगी, तो मैं अपने आपको हाइड कर लेता हूँ जल्दी से। अब इसका कोड करते हैं। ये मैंने एक कोड जी एल्गोरिथम का लिख रखा है, ये आपको एक्चुअली एडिटर में दिया नहीं जाएगा, ये मैंने पहले से लिख लिया है। एग्जैक्टली वही जी एल्गोरिथम में मैंने जो कोड बताया था एग्जैक्ट एज इट इज उसे यहाँ पे लिख दिया, तो मैं उसे दोबारा लिखना नहीं चाहता हूँ। एंड मैंने स्ट्रिंग का जी एल को कॉल करके उसका जी आर ए स्टोर करवा लिया कि भाई जो स्ट्रिंग है उसके जी आर ए को स्टोर कर लो। अब जी आर ए को स्टोर करने के बाद एक फ्रिक्वेंसी काउंटिंग के लिए आर ए बनाना है हमें, तो ये रहा एक फ्रिक्वेंसी नाम का आर ए है जो कि न्यू एंड इसके साइज 10 की पावर 5 हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो 10 की पावर 5 अगर हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए तो एक और जीरो आई गेस, हाँ जी 10 की पावर 5 अगर लास्ट इंडेक्स चाहिए तो 1 4 टाइम्स 0 एंड 1 साइज के फ्रिक्वेंसी एरे को क्रिएट करने की जरूरत है। अब इसमें काउंटिंग कर लो, कैसे काउंटिंग कर लो, सो इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 0 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, क्या जी एरे में कौन कौन से नंबर की अकरेंस है। जो नंबर है इंट नंबर इज नथिंग बट जी ऑफ आई, कि भाई जी के आईथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है उसी के अकरेंस को तो हम काउंट करना चाहते हैं, राइट? तो जी ऑफ आई, अब इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, भाई जो नंबर जैसे 5 है जी के किसी आईथ इंडेक्स पे 5 है तो फ्रीक्वेंसी के 5th इंडेक्स पे प्लस प्लस कर दो। जी के आईथ इंडेक्स पे अगर 6 होता तो मैं फ्रीक्वेंसी के 6th इंडेक्स पे प्लस प्लस कर देता हूँ, क्या एक अकरेंस आ रखी है, राइट? अब उसके बाद इसका हमें सफिक्स, इसका हम सफिक्स सम लेने वाले हैं, तो सफिक्स सम ले लेते हैं फिर। ये रहा आपका फॉर इंट आई इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ -1 से नहीं -2 से स्टार्ट करते हैं हम सफिक्स, क्यों? -1 वाले इंडेक्स की वैल्यू वही होगी जो आपके एरे में ऑलरेडी है, राइट? तो -2 से स्टार्ट करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नथिंग बट प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, सफिक्स सम ले लिया और कुछ नहीं, लास्ट से प्रीफिक्स की जगह सफिक्स ले लिया, क्यों? क्योंकि ग्रेटर सभी चाहिए, स्मॉलर चाहिए होते तो प्रीफिक्स लेता, राइट? तो ये हमने ले लिया। अब आपके पास, अब आपको करना क्या, अब वही पता करना है आपको, क्या पता करना है कि भाई कितने प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल है। तो सबसे पहले एक मैंने काउंट रख लिया कि भाई कितने प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल है, वो मैं इस काउंट में स्टोर करता रहूंगा। तो ये रहा मेरा इंट काउंट विच इज 0 के, एंड एक आंसर को स्टोर करने के लिए कि भाई इतने लेंथ के प्रीफिक्स सफिक्स इक्वल है एंड उसकी इतनी अकरेंस है, एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करता रहूंगा एंड लास्ट में उसे डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। सो स्ट्रिंग बिल्डर एस पी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये हो गया के अब स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो जी आर ए में कि यार प्रीफिक्स सफिक्स इक्वल एंड उस लेंथ की कितनी अकरेंस है। सो आई इक्वल टू जी डॉट लेंथ -1। सो एंड से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड से इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आंसर का ऑर्डर उन्होंने बता रखा है कि यार जिस प्रीफिक्स एंड सफिक्स की लेंथ स्मॉलर है वो आपको पहले लिखने की जरूरत है। यहाँ पे लिख रखा होगा, देखो कहीं पे क्या, हाँ जी ये रहा, प्रिंट पेयर्स लेंथ एंड उसकी काउंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ, क्या जिसकी लेंथ सबसे पहले है, छोटी है, उसे सबसे पहले लिखो। तो जिसके एंड से आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, एंड से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्या दो लेंथ मैच, जैसे ही ये दोनों मैच कर गया तो मुझे पता है कि यार दो लेंथ प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल है, राइट? तो एंड से पहले स्मॉलर वाले को, फिर 3 लेंथ वाले को चेक करूंगा, फिर 4 लेंथ वाले को, फिर 5th के, फिर 6th के लिए, राइट? दैट्स व्हाई एंड से अल्टरेट करना बिल्कुल ही मस्ट है, क्योंकि कंडीशन दे रखा है कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में आउटपुट चाहिए। तो एंड से मैंने ट्रैवर्सल स्टार्ट कर दिया, जी डॉट लेंथ -1 देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस
अब हमें कैसे पता लगता है कि भाई प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल है? बहुत ही सिंपल है भाई, जी के आईथ इंडेक्स की जो वैल्यू है ये अगर इक्वल है, किसकी इक्वल है ये, किसकी इक्वल है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ माइनस ऑफ आई। ये हमने देखा था कि भाई जितने लास्ट में बंदे हैं एंड उतनी ही जी की वैल्यू है, मतलब ये जो सब स्ट्रिंग है जी आर के थ्रू आप सब स्ट्रिंग निकालते हो, बट ये सफिक्स के इक्वल है क्योंकि ये सब स्ट्रिंग लास्ट तक एक्सटेंडेड है। जैसे ही इक्वल हुआ तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो, एक प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल हो गए, राइट। मैंने काउंट को कर दिया प्लस प्लस। उसके बाद इसकी लेंथ निकालो कि भाई जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल हुए उसकी लेंथ, इसकी लेंथ इज नथिंग बट वही एस टी डॉट लेंथ माइनस आई, अभी तो हमें पता चला, या फिर जी ऑफ आई भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ओके, अब इसकी कितनी अकरेंस है, इसकी कितनी अकरेंस है, तो अकरेंस इज नथिंग बट जो आपने फ्रिक्वेंसी एरे बनाया था उसके लेंथ से ग्रेटर और इक्वल टू बंदे चाहिए, तो उसके लेंथ वाले इंडेक्स पे चले जाओ कि भाई फोर से ग्रेट, लेट से फोर लेंथ प्रीफिक्स सफिक्स इक्वल है, देन आपके जी एरे में फोर से ग्रेटर कितने बंदों की अकरेंस थी, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर पे चले जाओ एंड उसका प्लस वन पक्के से कर देना। प्लस वन क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स को कभी भी आप काउंट नहीं करते हो, तो प्रीफिक्स भी एक, और ऑफ कोर्स प्रीफिक्स भी एक अकरेंस है, तो उसका प्लस वन आप कर दोगे। अब ये रह गया, इसमें आपके स्ट्रिंग बिल्डर में इसे अपेंड करना है आपको, स्ट्रिंग बिल्डर में आप अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, जो लेंथ है उसे लेंथ के साथ एक गैप दे दो, फिर जो आपका अकरेंस है उसे एंड लाइन चेंज लगा दो। एक लाइन चेंज क्यों लगा दो, क्योंकि अलग अलग लाइन में सभी लेंथ और अकरेंसेस चाहिए इन्हें। ओके, तो ये मैंने लाइन चेंज लगा दिया। अब फॉर लूप जब आप ख़त्म कर दोगे, फॉर लूप आपने ख़त्म कर दिया तो आपका काम हो चुका है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट स्ट्रिंग वाले को हम अलग से हैंडल करते हैं। क्यों, जी आर ए हमेशा ही प्रॉपर प्रीफिक्स और सब स्ट्रिंग को ढूंढता है। प्रीफिक्स जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसे कभी भी प्रीफिक्स की तरफ तरह आप कंसिडर नहीं करते हो, तो उसे आप अलग से हैंडल करोगे। यार एक लास्ट अपेंड लगा दो, एक लास्ट अपेंड किसके नाम पर लगा दो कि भाई कंप्लीट स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स सब खुद का ही है एंड उसकी एक अकरेंस भी है, तो उसकी एक अकरेंस भी हमने लगा दी। अब ये आपने कर दिया, प्लस एक काउंट को भी इंक्रीज कर दो, क्या एक प्रीफिक्स एंड सफिक्स कंप्लीट स्ट्रिंग वाली इक्वल मिल गई आपको, राइट। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये आपके पास प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स का आंसर आ गया, ये एक एक्स्ट्रा आपने कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए कर दिया। अब प्रिंट कर दो बस, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। इसमें क्या प्रिंट कर दिया, काउंट कि भाई कितने प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल थे पहले लाइन में, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या वही एस बी, ये मैंने प्रिंट कर दिया एस बी, तो जैसे ये प्रिंट हुआ एस बी, एस बी में वही अकरेंसेस है, क्या इतने लेंथ की इतनी अकरेंस है। ओके, सो इसे मैं जल्दी से कर देता हूँ रन और इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया एक्सेप्ट, इसे जल्दी से कर दो सबमिट। ओके, सो ये सबमिट भी हो गया। सो ये था आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स काउंट जी एल्गोरिथम का बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। ओके, सो आई होप यू लाइक इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।